Smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. क्या हुआ? क्या हो क्या जाता है तुम्हें कभी कभी? क्यों इस तरह अनजान बन जाते हो? क्या इसे प्यार कहते हैं? तुम्हारा एडुकेशन, तुम्हारी परवरिश क्या तुम्हारी पत्नी को इस तरह बेइज्जत करना सिखाती है? हमारी शादीशुदा जिंदगी को क्यों इस तरह तुम बर्बाद करना चाहते हो? मुझसे और नहीं हो रहा है. असल में राहुल के साथ मेरा रिश्ता ही कुछ अजीब है. शायद प्यार है भी और नहीं भी. अच्छा, तेरा ऊपर जिम्मेदारी, संसार के ऊपर जिम्मेदारी, वो ठीक ठाक निभाता है ना? इन सब को लेकर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हर ऑकेशंस में मुझे गिफ्ट करना, महंगी महंगी साड़ी लेके आना, ये सब कुछ वो मेंटेन करता है. ये सब लेकर कुछ बात ही नहीं करना है. लेकिन इन सब कुछ के बाद भी कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करने लगता है मेरे साथ. ये तो एक तरह से ह्यूमिलेशन करना हुआ है ना? मुझे लगता है कि राहुल का काउंसलिंग चाहिए. और मुझे लगता है अगर कोई ऐसा मेरी जिंदगी में आता तो जो मुझे मेरी तरह प्यार करता, जो मुझे बहुत केयर करता, मेरी तरह मुझे समझ लेता. असल में जरूरतों को पूरा करना ही प्यार नहीं होता. प्यार का मतलब कमिटमेंट. प्यार का मतलब दो आत्मा का मिलन. Isn't it? गुड आफ्टरनून मैडम. आपसे एक जरूरी काम था इसलिए मिलने आया. नॉट ऑफिशियल, पर्सनल. नहीं समझी. आपके साथ मेरा क्या पर्सनल बात हो सकता है? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूं. और कभी इससे पहले आपको देखा है मुझे याद तो नहीं आ रहा. जहां तक मैं जानता हूं आपकी याददाश्त तो बहुत तेज है, क्योंकि एक बार जो आप देख लेती हैं उसे कभी नहीं भूलते. हाँ, लेकिन सच में मैं आपका चेहरा याद नहीं कर पा रही हूँ. Let me remind you. 2017, 14th अप्रैल, होटल ब्लू मून बैंक्वेट, एक पार्टी था वहां, और वहीं आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी. आपने एक रेड शिफॉन साड़ी पहनी थी, गले में प्लैटिनम का पेंडेंट था और कान में डायमंड रिंग्स. यू वर लुकिंग मार्वेलस. याद है आपको वो पार्टी? पार्टी तो याद है, पर आपका चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा. बट सरप्राइज्ड कि आपने मुझ पर इतना ध्यान दिया. तो यहीं पे खड़े होकर बात करें या फिर मैं अंदर भी आ सकता हूं? आई एम सॉरी सॉरी. आइए अंदर आइए. थैंक यू.
मेरा नाम सोम है, सोम रॉय। पिछले एक साल से मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप कहां जाती हैं, क्या पसंद करती हैं, किस वक्त घर पे अकेली रहती हैं, किस वक्त आपके पति घर के बाहर रहते हैं मैं सब जानता हूं। आप फाइनेंशियली बहुत रिच हैं और आपकी मैरिड लाइफ बहुत पुअर। आपकी आंखों में देखकर मैं समझ सकता हूं मैं ये बोल सकता हूं कि आप बहुत दुखी हैं। आप तो एक लवर की तरह बात कर रहे हैं। इसका मतलब पिछले एक साल से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, यही ना? फॉलो एक्चुअली जिसे मैं पसंद करता हूं, जिसे अपने करीब पाना चाहता हूं, जिसकी आंखों में आंखें डालना चाहता हूं, उसके बारे में इतनी जानकारी तो रखनी पड़ती है। क्या नाप शनाप बक रहे आप? आप जानते हैं मैं क्या कर सकती हूँ आपका? हाँ मैं जानता हूँ आप क्या कर सकती हैं। बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने फ्लैट के सिक्योरिटी को बुलाकर मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं, या फिर शोर मचाकर अपने पड़ोसियों को बुला सकती हैं, या कुछ और पुलिस को बुलाकर मुझे मोलेस्टेशन के केस में फंसा सकती हैं। लेकिन इनमें से आप कुछ भी नहीं करेंगी क्योंकि आप खुश नहीं हैं। आपके पति भी आपको पत्नी का दर्जा नहीं देते। आप बहुत अकेली हैं। आज मैं आपका अकेलापन दूर करना चाहता हूं। देखिए आप अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं अभी। बिना लिमिट क्रॉस किए हुए क्या मैं आप जैसी एक खूबसूरत औरत के पास आ सकता था? मैडम आपके भीतर जो दर्द और तन्हाई है उसे मैं दूर करूंगा। जो प्यार आपके जीवन से खो गया है वो प्यार तुम्हें मैं दूंगा दीदी। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से लेकर आज तक मैंने जो भी कमाया है उसका एक बड़ा हिस्सा आज मैं तुम्हें देने आया हूं। मुझे पैसे की कमी नहीं है और ज्यादा पैसे की मुझे जरूरत भी नहीं। पैसे नहीं, ये तो मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूं, मेरी अदिति को। मैं तुम्हें स्वावलंबी बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूं। क्या तुम्हें अपने तरीके से जीने का मन नहीं करता? बताओ अदिति। हेलो। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ मतलब ये के घर में तुम्हारे पास कोई गया था क्या? घर पे कोई? सर में थोड़ा सा बाल, शक्ल में हल्का सा दाढ़ी है। तुमको रुपया दिया है क्या? पैसे? पैसे मतलब कौन से पैसे? कल मैं ऑफिस से किसी को घर में भेजूंगा, कल तुम्हें उसके हाथ से रुपया बैंक में जमा करना पड़ेगा। मुझे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ रहा तो कुछ नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ ठीक है, ओके। जिस
पहली बार देखा था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने जो भी कमाया है उसका एक बड़ा हिस्सा आज मैं तुम्हें देने आया हूं। ये तो मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूं, मेरी अदिति को। मैं तुम्हें स्वावलंबी बनाना चाहता हूं।